नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज। 2022 के यूपी के नतीजों को दिल्ली के 2024 के चुनाव से जोड़ने के पीएम मोदी के बयान पर क्या बोले प्रशांत किशोर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। इन 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी की सफलता के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के जादू की चर्चा फिर से होने लगी है। लोगों के साथ साथ पीएम मोदी भी 2022 के यूपी के नतीजों को दिल्ली के 2024 के चुनाव से जोड़ने लगे। लेकिन राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर इससे सहमत नहीं है, वह इसे लेकर कुछ और ही सोचते हैं। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत की लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी और उसका फैसला तभी होगा। 2024 की लड़ाई किसी राज्य के नतीजों से तय नहीं होंगे, साहेब ये जानते हैं। इसलिए विपक्ष पर एक निर्णायक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वह राज्य के परिणामों से माहौल बना रहे हैं। यह काफी चालाकी वाला प्रयास है, लेकिन इस तरह की झूठी बातों में ना तो फंसे और ना इसका हिस्सा बने। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें सी लॉर्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।